नमस्कार, प्रियंका गांधी मिशन एमपी पर जीतनी है सारी सीटें। चयन किया गया महाकौशल क्षेत्र का 38 विधानसभा सीटें, जहां पिछले साल के चुनाव में परफॉर्मेंस जबरदस्त था। इस महाकौशल क्षेत्र में आता है छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब जबलपुर से इसका आगाज किया गया। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेश करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। माँ नर्मदा की पूजा करी उन्होंने प्रियंका गांधी पर, लेकिन पूजा जो करी उसके बाद जो हुआ उसके कारण उन्हें कहा गया चुनावी हिंदू। कुछ कह रहे हैं कि इन्हें क्या पूजा करनी भी आती है। ये जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो गई। यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि 5 साल पहले राहुल गांधी भी ट्रोल हुए थे पूजा करने की जो पद्धति है, जो तरीका है उस पर, कि उन्हें कुछ नहीं आता, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। एक तरफ बजरंग बली के कटआउट लगे थे, दूसरी तरफ भगवा फहर रहा था। तमाम मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में प्रियंका गांधी ने आरती की, माँ नर्मदा की आरती भगवान को देने से पहले उन्होंने खुद आरती ले ली। ये चीज जो, ये जो तरीका है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर और तमाम जगहों पर प्रियंका गांधी को कर दिया है ट्रोल, और कह रही है कि ये तो चुनावी हिंदू है, पूजा करनी आती है या सिर्फ ये एक दिखावा है। तो इसका मतलब 5 साल पहले जो राहुल गांधी ने गलती करी थी पूजा में, वही उनकी बहन प्रियंका गांधी ने रिपीट करी। बीजेपी कह रही है कि चुनाव से पहले कांग्रेस को भगवान याद आते हैं। कर्नाटक में उन्होंने बजरंग बली को पकड़ा और अब यहाँ पर भी बजरंग बली को पकड़ के मां नर्मदा की गलत तरीके से पूजा करके हर हर नर्मदे के नारे के साथ वो गलत संदेश दे रहे हैं पब्लिक में। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर कायम रहने पर बीजेपी ने तत्काल प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये कांग्रेस सिर्फ एमपी क्योंकि है तो हिंदुओं को साथ में लेकर और अल्पसंख्यकों को साथ की बात कर रही है। यहाँ पर बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है कांग्रेस को टारगेट करने का। सीधे रुख करते कंसल्टिंग एडिटर दीप्ति चौरसिया का कि कांग्रेस ने जो ये नया स्टैंड नए राज्य को देखकर, नए राज्य के टारगेट को लेकर बदला है, और जिस तरीके से प्रियंका ट्रोल की जा रही है कि चुनाव आते ही हिंदुत्व और भगवान की बात आती है और पूजा भी गलत हो जाती है, क्या ये दिखावा है या वाकई किसी भी तरीके की जेन्युइन चीज भी इसमें है। लेकिन ये हरिका पहला मौका नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हिंदुत्व की बात कर रही हो। आप पिछले कुछ महीनों पहले जाइए, जब से कांग्रेस की सरकार गिरी है और उसके बाद कांग्रेस 2023 की तैयारी कर रही है, तभी से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है मध्य प्रदेश के कमलनाथ, वो खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, और हमेशा आप देखिए उन्होंने एक बड़ा हनुमान मंदिर भी बनाया हुआ है जाम सावली में, जिसकी अक्सर पूजा करने जाते हैं, और हनुमान जयंती पर उस पर पुष्प वर्षा भी की गई थी हनुमान जी की उस प्रतिमा पर, और लगातार उनका जो कई बार ट्विटर हैंडल में वो इस तरह की तस्वीरें डालते हैं कि वो पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। और 4 अगस्त को जब राम जन्मभूमि की नींव रखी गई थी, उस दिन भी जो है कमलनाथ ने अपने बंगले पर सुंदरकांड का पाठ कराया था। तो कांग्रेस लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, इसके लिए बकायदा एक प्रकोष्ठ भी बना, जो पिछले दिनों आपने देखा मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो पूरा ऑफिस था वो हिंदुत्व, वो भगवा रंग में रंगा हुआ था, भगवा रंग के झंडे थे, भगवा रंग से उसको सजाया गया था, और उसके बाद से ये क्रम लगातार चला आ रहा है। और ये केवल मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात नहीं है, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा की आपको याद होगी कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में तो जहां जहां से गुजरे हैं वहां के बड़े मंदिरों के उन्होंने दर्शन करे हैं, महाकाल के भी उन्होंने दर्शन करे, शिप्रा की भी पूजा करी, और जो नदियां बीच में पड़ी उनकी भी पूजा करी, और वहां के बड़े मंदिरों पे मत्था टेका। तो लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची और उन्होंने वहां पर नर्मदा में सबसे पहले पूजा करी, माँ नर्मदा की आरती करी, ग्वारी घाट पे उन्होंने पूजा अर्चना करी और उसके बाद बड़ी जनसभा करी। तो कांग्रेस लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, और कांग्रेस की कोशिश है कि जितने भी मुद्दे हैं इन चुनाव में वो एक एक करके बीजेपी से छीनने की कोशिश में है। जैसे बीजेपी ने लाडली बहना योजना शुरू करा तो कमलनाथ ने नारी सम्मान की शुरुआत कर दी, उसके फॉर्म भराए जाने लगे। लाडली बहना में 1000 रुपए मिल रहे हैं तो कमलनाथ ने बोला कि हम 1500 देंगे, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने तो अब 3000 भी देने की घोषणा कर दी। तो कांग्रेस के लिए 2023 का जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को बहुत कुछ है। अगर इन चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाई तो कांग्रेस के अस्तित्व का भी सवाल खड़ा हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 23 के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो 2018 में जो उनकी सरकार गिरी थी, अगर वो 2023 में वापस सरकार बना लेंगे तो वो
ये एक तरीके से जो वो लगातार बोलते हैं ना कि वो बीजेपी को बताएंगे, और उनकी जो पूरा मिशन है उसके बाद से लगातार वो देश की सरकार बनाने को लेकर है। इसके लिए दिग्विजय सिंह लगातार जो है कमरा बैठ के कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने पे जोर दे रहे हैं, और कमलनाथ बाकी सारी चीजों पे, चाहे वो टिकट को लेकर सर्वे कराए जाने की बात हो या अलग अलग संगठनों की बैठक हो, उस पे जोर दे रहे हैं। और इन सब के बीच में ऐसा कोई मौका नहीं होता है कि कांग्रेस सौख हिंदुत्व को छोड़े। हाल ही में जो कर्नाटक का पूरा घटनाक्रम हुआ कि कर्नाटक के जो है मैनिफेस्टो में कहा गया कि बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, जिसको बीजेपी ने बजरंग बली से जोड़ा, तो फिर कांग्रेस ने बोला कि बजरंग बली ने बीजेपी वालों को नकार दिया, उनकी सरकार नहीं बनी। तो आप कहीं ना कहीं किसी एक आध ऐसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस हिंदुत्व पर लगातार आ रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी की तरह वो हार्ड कोर हिंदुत्व की बात नहीं करती है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए वो एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश में भी लगी है। और अगर हम बात करें कि महाकौशल से क्यों इसकी शुरुआत हुई, तो महाकौशल एक मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका है। यहाँ पर लगभग 38 सीटें हैं, जिसमें से ज्यादा सीटें 28 के आसपास सीटें शायद कांग्रेस को गई थी। और महाकौशल जो इलाका है, इसमें आदिवासी इलाका भी जुड़ा हुआ है, और महाकौशल कमलनाथ का इलाका माना जाता है। और यहाँ जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर का मेयर भी कांग्रेस से है, जबलपुर के आसपास के कई सारे एमएलए जो आदिवासी भी हैं वो भी कांग्रेस से हैं। तो कांग्रेस को वो जगह काफी मुफीद लग रही है कि वो वहां से अपना चुनावी शंखनाद करे, क्योंकि कांग्रेस वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर सकती है। और बीजेपी इसलिए उस जगह को लाडली बहना के लिए चुन रही है क्योंकि बीजेपी ने छिंदवाड़ा के मेयर का चुनाव भी हारा है, बीजेपी ने महाकौशल में जबलपुर के मेयर का चुनाव भी हारा है, और इसके अलावा एक बड़ा आदिवासी बड़ी कई आदिवासी सीटें हैं उनको भी साधना है, और एक बड़े वर्ग को भी साधना है, इसलिए महाकौशल राजनीति का केंद्र भी बना हुआ है। ठीक है, तो इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ट्रोल हो रही है कांग्रेस, जिसको बीजेपी कह रही है कि ये चुनावी हिंदू हैं, चुनाव रहते ही इन्हें हिंदुत्व और अल्पसंख्यक याद आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर जीतना है तो हिंदुओं को साथ में लेकर चलना होगा। उन्हीं की पार्टी के नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कोई भी हो, महिलाओं को कुछ भी कह देते हैं, फजीहत कराते हैं, तब कुछ बोला नहीं जाता है। लगातार ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर कांग्रेस चली है उसमें वो फेलियर है, क्योंकि हिंदुत्व का मोर्चा तो बुलंद करके बीजेपी आगे है, लेकिन प्रियंका गांधी ने मिशन जबलपुर से जो शुरुआत करी है, बैठे बिठाए ट्रोल करने का मौका उन्होंने बीजेपी को दे दिया है, क्योंकि पूजा ही गलत तरीके से की। आरती जहाँ पहले देनी चाहिए, पूजा खत्म होने से पहले खुद आरती ले ली, जैसा राहुल गांधी ने भी एक बार गलती की थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इन्हें कह रही है कि चुनावी हिंदू है, सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा है, वो इस चुनाव में नहीं चलेगा। बैठे बिठाए कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को मौका दे दिया मध्य प्रदेश में उनकी फजीहत कराने के लिए। नमस्कार।